मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, एक के बाद एक कोरोना के मरीज़ पाए जाने के बाद मुमरा के अमृतनगर इलाके को रेड जोन करार दिया गया था, वही आज एक के बाद एक इमारतों की सील खोली गई। आज जो सील खोली गई है वो कौसा के खलील मेंशन की थी, वो सील आज खोली गई है। इसी तरह से इस बारे में जानते शानू पठान ने क्या किया, कितनी इमारतों की सील खोली गई है और कितनी इमारतें अभी बाकी है और क्या कंडीशन है इसकी। वो टाइमिंग है महानगर पालिका का, वही टाइमिंग पे हमको खोलने का, शासन का जो टाइमिंग है सवेरे रात में 3 बजे से लेके मतलब 10 बजे ही आप मैं तो घर पर आ जाइए। और सैनिटाइजर के लिए हम लोग कल, मैं शाकिर भाई बात करता हूँ, मैं कल पूरा सैनिटाइजर बिल्डिंग को कराया था ये उसके लिए, ठीक है। और कुछ है तो दुआ किया, ये भी एक खुला आप अगर आप खुल फिर भी आप लोग जब भी खोले, जब वो थाने महानगर पालिका का टाइमिंग है तो ऐसे रह लीजिए, सैनिटाइजर कल आके करा लेंगे। हाँ वो भी करके देंगे, ठीक है। चलो अस्सलामुअलैकुम। आज यहाँ पे खलील मेंशन के लिए यहाँ पे सील खुली है, तो अभी तक सब कितनी इमारतों की सील खुली है? अभी तक हमारी 7 इमारतों की सील खुल गई है, जितनी बिल्डिंगें को रेड जोन के नाम लिए लगाई थी सील, वो सारी बिल्डिंग खुल गई है जी। खलील मेंशन और ख्वाजा पैलेस भी खुल गई है। साथ ही में आज हमारे यहाँ से लेकर अमृत नगर तक जितने भी लगभग रेड जोन का मामला था वो ख़त्म हो गया, लेकिन एक पेशेंट जो कल सुहाना में मिला है उसका ही अब चिंता के विषय है, वही बिल्डिंग वो सुहाना का एरिया परिसर थोड़ा सा रेड जोन में आएगा। क्या हुआ उस पेशेंट को? उस पेशेंट को कल हमने जब सिविल में एडमिट किए वहाँ 9:45 पर जाके डेथ हो गई। आपके ज़रिए मैं मुमरा कौसा की आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप ये ध्यान रखिए कि ये बहुत गंभीर विषय है, हमको घर पे रह के ही इस बीमारी की लड़ाई से हम लड़ सकते, बाकी इसका दूसरा कोई इलाज नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हमारा परिवार भी तकलीफ़ में आएगा। बाकी सारी बीमारी में जिस जो बीमार होता था बेचारा वो तकलीफ़ में आता था, ये एक ऐसी बीमारी है जो अगर जिसको हो गया पॉजिटिव तो उसके साथ साथ उसके परिवार को क्वारंटाइन में और उसको भी तकलीफ़। तो इसीलिए मैं मुमरा कौसा की आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, और ये गंभीर विषय है, चिंता का विषय है कि आप लोग घर में रहिए, हम लोग प्रशासन, डॉक्टर, म्यूनसिपल्टी, प्रेस आपकी समस्याओं को समाधान करने के लिए रोड पर है, आप घर पर रहिए, ये आपके ज़रिए मैं विनती करूँगा। इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे, देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ, फिर एक नई खबर के साथ हाजिर होगा।